Xiaomi MIUI एक पब्लिक ऐसा पब्लिकेशन है जो कि Xiaomi डिवाइसेस को सर्च करने में महारत हासिल की। हाल ही में इनकी एक रिपोर्ट पब्लिश की जा रही कि पोको बहुत ही जल्दी ग्लोबल मार्केट में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है, जिसको ये कहा जा रहा है कि ये पोको का H6 प्रो हो सकता है। हालांकि माई स्मार्ट प्राइस की टीम ने इस वाले फ़ोन को FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट किया है, वहाँ से ढूंढा है और इसके बारे में ये पता किया है कि इसमें क्या स्टोरेज ऑप्शंस होगी, क्या इसका मॉडल नंबर है और क्या रैम पाई जाएगी। साथ के साथ इन्होंने NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट से ये भी पता लगाया है कि ये बेसिकली एक Redmi K70e का एक रीब्रांड वर्जन हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना। Xiaomi MIUI की एक रिपोर्ट से ये पता चलता है कि पोको अगले साल जनवरी के एंड में ग्लोबल मार्केट में पोको X6 प्रो लॉन्च कर सकता है। साथ के साथ ये वाले स्मार्टफोन इंडिया में भी देखने को मिलेगा। Xiaomi MIUI ने ये पता लगाया है और साथ के साथ ये भी कहा जा रहा है कि इन्होंने इस वाले डिवाइस की जो खोज की है वो Xiaomi के सर्वर से पकड़ी है। और इसके साथ ये भी कहा है कि इस वाले स्मार्टफोन में जो स्पेसिफिकेशंस होंगे वो चाइनीज में लॉन्च हुए स्मार्टफोन के एज इट इज भी देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं, वो भी फास्ट चार्जिंग वगैरह में, बाकी डे टू डे मतलब कॉपी पेस्ट वाले स्मार्टफोन हो सकता है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह चेंज कर दें ताकि देखने में अच्छा लगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वाले स्मार्टफोन डेटो कॉपी की जाएगी, मतलब कॉपी पेस्ट। Xiaomi MIUI रिपोर्ट से ये पता चलता है इस वाले स्मार्टफोन को में एंड्रॉयड आउट ऑफ बॉक्स 14 देखने को मिलेगा, साथ के साथ HyperOS की कस्टम स्किन देखने को मिलेगी। और थैंक टू माई स्मार्ट प्राइस टीम जिन्होंने FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट से स्पॉट किया गया है कि इस वाले फ़ोन में हमें 8GB रैम और एक 256GB स्टोरेज का ऑप्शन और दूसरा इसमें 12GB की रैम और 512GB का स्टोरेज ऑप्शंस भी देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था कि 8GB रैम एंड 128GB वेरिएंट से स्टार्ट हो तो शायद पॉसिबली इसकी जो प्राइसिंग होगी वो थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है। Xiaomi MIUI की रिपोर्ट ने यह भी कंफर्म किया कि इस वाले स्मार्टफोन में हमें 67W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा और बेसिकली एक 5G स्मार्टफोन होगा। पोको X6 प्रो को ग्लोबल और इंडिया के मॉडल नंबर को भी स्पॉट किया गया, 2311DRK48G और 2311DRK48i है। आपको याद होगा जो चाइना में Redmi K70e लॉन्च किया गया उसका जो मॉडल नंबर है वो सेम है, बस लास्ट में हमें सी देखने को मिला है। अगर CIG वर्ड्स को इंडिकेट किया जाए तो सी का मतलब चाइना है, जी का मतलब ग्लोबल है और आई का मतलब इंडिया है। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले हमें ये ग्लोबल मार्केट में देखने को मिलेगा, उसके बाद ही इस वाले स्मार्टफोन के दर्शन इंडिया में भी देखने को मिलेंगे। अब ये देखना होगा कि पोको वाले मदरबोर्ड फ्री देते हैं इस वाले स्मार्टफोन के साथ या नहीं, क्योंकि पोको का रिलेशन मदरबोर्ड के साथ बहुत ही तगड़ा है। Redmi K70e MediaTek Dimensity 8300 Ultra के साथ पहला स्मार्टफोन है। हालांकि इस वाले फ़ोन में हमें चाइनीज़ मार्केट में 90W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिला था, लेकिन इंडिया के बारे में अगर बात की जाए तो अब तक जो लीक्स निकल के सामने है उसके हिसाब से ये कहा जा रहा था कि इंडिया में इस वाले स्मार्टफोन में हमें 67W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो पॉसिबल ये कि शायद हो सकता है कि बैटरी की कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती है। इन सब चीज़ों को साइड रखें तो पोको ने इंडिया में हाल ही में अनाउंस किया है कि पोको M6 स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा। अगर इस वाले स्मार्टफोन के बारे में अगर बात की जाए तो बेसिकली एक बजट स्मार्टफोन होगा। अब देखना होगा कि इसके स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे और आखिर ये वाले स्मार्टफोन किस फ़ोन को रीब्रांड करके लॉन्च किया जाएगा, ये फ़िलहाल आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बाकी आप लोग के क्या विचार है पोको X6 प्रो के बारे में और इनके मदरबोर्ड के इश्यू के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। बाकी पोको अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में अगर कुछ डिटेल्स जाननी हो तो स्टोरी आपके सामने, मैं आपको वहाँ मिल जाऊँगा। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सा बिल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। मेरा नाम विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।